हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेक बाजार में। मैं आपका दोस्त और होस्ट इंजीनियर गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का और आशा करता हूं आप लोग कोविड से सुरक्षित होंगे। ये वीडियो पर्टिकुलरली आज हमारे एक मित्र को इंट्रोड्यूस करने के लिए है, अखिलेश श्रीवास्तव जिनका नाम है। आगरा रीजन के कंसल्टेंट है, अपनी कंसल्टेंसी एजेंसी चलाते हैं। जो लोग उस रीजन के हैं या जो उनकी कंसल्टेंसी में है वो पर्सनली उनको अच्छे से जानते भी होंगे। आज ही अखिलेश जी हमारी बैटरी परिवार के साथ जुड़े हैं और वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहते हैं अपने उस बैटरी फैमिली के साथ में जो कि ऑल ओवर इंडिया काम कर रही है। आशा करता हूं दोस्तों उनसे मिलके आपको अच्छा लगेगा। आइए अब सुनते हैं अखिलेश जी को। हमारे मैन्युफैक्चरर है जो बैटरी का उत्पादन कर रहे हैं। दोस्तों आज जो उत्पादन वो कर रहे हैं या तो सुनी सुनाई बातों से या फिर किसी कंसल्टेंट के माध्यम से कर रहे हैं। दोस्तों मेरा मानना है कि हर मैन्युफैक्चरर अपने आप में खुद ही इतना सक्षम हो जाए कि वो खुद से बैटरी बना सके और संकट के घड़ी में उसका निवारण कर सके। क्योंकि दोस्तों हर वक्त कोई कंसल्टेंट उस जगह पर नहीं हो सकता। दोस्तों मैं आगे आपसे बात करने से पहले, आज बैटरी के कुछ प्रमुख तीन भागों के बारे में बात करूंगा। तीन प्रमुख बिंदु जिनका हर मैन्युफैक्चरर को जानना बहुत ही आवश्यक है। तीन प्रमुख बातें जिसमें पहला बैटरी क्या होता है, दूसरा सेल क्या होता है, तीसरा लेड एसिड बैटरी कार्य कैसे करती है। दोस्तों पहले टॉपिक को लेते हैं, बैटरी क्या होता है। दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया बैटरी कहलाती है। दूसरा टॉपिक होता है सेल क्या होता है। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यह बैटरी का मौलिक संरचना घटक होता है। बैटरी के प्रमुख चार मौलिक घटक होते हैं जो कि विद्युत ऊर्जा का भंडारण करते हैं। इसमें पहला होता है पॉजिटिव प्लेट, जिसे हम लेड डाइऑक्साइड PbO2 के नाम से जानते हैं। दूसरा निगेटिव प्लेट, जिसे स्पंजी लेड Pb(S) के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट, गंधक तेजाब, जिसे H2SO4 के नाम से जानते हैं। चौथा होता है सेपरेटर, सेपरेटर PE, PVC, AGM कई प्रकार के होते हैं। प्लेट एक मानक के अनुरूप बनी होती हैं, जिससे बैटरी का जीवन अधिक हो और उसकी कार्य क्षमता अच्छी हो। दोस्तों तीसरा टॉपिक आता है लेड एसिड बैटरी कार्य कैसे करती है। जब पॉजिटिव प्लेटों का लेड डाइऑक्साइड निगेटिव प्लेट का स्पंजी लेड तेजाब H2SO4 यानी गंधक के संपर्क में आता है तो रासायनिक क्रिया होती है। तब लेड सल्फेट पानी तथा उपयोगी ऊर्जा का निर्माण होता है। इस विद्युत ऊर्जा को एकत्रित कर लिया जाता है जो बैटरी में स्टोर होती है। दोस्तों आज मैं सिर्फ तीन टॉपिक पे ही बात करना था आप लोगों से। आगे आने वाले टाइम पे मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो डालकर आप लोगों को और अधिक बैटरी की टेक्नोलॉजी के बारे में आपको समझाऊंगा बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आपने सुना अखिलेश जी को, अखिलेश जी ने बैटरी के बेसिक्स के बारे में यहाँ पे बताया और आने वाले टाइम में अखिलेश जी अपनी इन्फॉर्मेशन को वीडियो के मार्फत आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन शेयर करने योग्य है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय।